डभोई नगर में आने वाले नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए डभोई के विधायक शैलेश मेहता की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया। आने वाले नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर डभोई नगर में सर्किट हाउस में विधायक की मौजूदगी में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। डभोई नगर में दो साल के बाद कोरोना महामारी खत्म होते हुए अब नवरात्रि पर्व को मनाने के लिए उत्साहपूर्ण माहौल छाया है। ऐसे में डभोई एपीएमसी स्थित होने वाले वैसे नवरात्रि महोत्सव अंतर्गत डेकोरेशन से लेकर साउंड सिस्टम गायक वृंद की तमाम जानकारी के बारे में चर्चा विचारणा करते हुए आज एक विशेष बैठक का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया, जहां ये बैठक में डभोई के विधायक शैलेश मेहता विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। सार्वजनिक गरबा महोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एपीएमसी मैदान पर आयोजित किए जाएंगे। ग्राउंड से डेकोरेशन तथा साउंड सिस्टम गायक वृंद की विस्तृत चर्चा करते हुए आज ये विशेष बैठक का आयोजन करने के बीच शशिकांत पटेल, महेश श्री गामवाला, डॉक्टर संदीप साह, भावेश पटेल सहित के महानुभव उपस्थित रहे थे। आगामी दिवसों में गणपति उत्सव और नवरात्रि उत्सव आवी रहा है। आपना माध्यम थी तमाम ने गणोत्सव ने शुभेच्छा पाठवू छू। साथे साथे दरबावती नगरी में नवरात्रि महोत्सव खूब जोर शोर थी उजवातो हतो, पण छेल्ला बे वर्ष कोरोना ने कारणे ए बंद राखवामां आव्यो। आ वखते फरीवार नवरात्रि दरबावती नगरी ने शोभे एवी रीते थवा जई रही छे, ते अंगेनी आयोजकनी एक मीटिंग आजे अहींया सर्किट हाउस खाते राखवामां आवी हती। अने जे के व्यवस्थाओं गोठवानी छे ए व्यवस्थाओं वडोदरा ना जाणीता गायक हेमाबेन पंड्या ने ग्रुप अहींया गरबा गवड़ावशे, ने साथे ज जे गई वखते साउंड हतो ए साउंड फरासखानो, अने आ वखते गरबा ग्राउंड थोड़ुंक मोटू पण करवामां आव्युं छे अने बैठक व्यवस्था पण वधारवानी सूचना आपवामां आवी छे। साथे ज सुशोभन माटे कमिटी बनावामां आवी छे। जे रीते वडोदरा शहेरमां अलग अलग थीम पर अने अलग अलग डेकोरेशन गरबा ग्राउंड पर थता होय छे, ए प्रमाणे गरबावतीमां पण आर्किटेक्ट नी मदद लईने एक ग्राउंड नुं सुशोभन कार्य पण थशे। એટલે ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાલી હોય ત્યારે પણ લોકો જોવા આવે એ રીતનું ગરબા ગ્રાઉન્ડ બનશે। સાથે જ આપના મારફત તમામ યુવાનોને વિનંતી કો સૂચના કો કે તમામે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં જ આવવું પડશે। ચીલા ચાલુ કપડાં પહેરીને ગરબામાં કોઈને પણ એલાવ કરવામાં નહીં આવે। એટલે જબ્બો લેંગો હોય સુરવાલ હોય એ રીતનો જે ગરબાના ડ્રેસ છે એ પહેરીને તમામ આવે એવી આપના દ્વારા અપીલ પણ કરું છું। અને આ વખતે દરબાવતીના ગરબા એ વડોદરા શહેર જિલ્લામાં એક અનોખી રીતે ઉજવાય છે, એ જોવા માટે પણ બહારથી લોકો આવે એવો પ્રયત્ન આયોજકો તરફથી કરવામાં આવે છે।